नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपको हरिद्वार अकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन का एक वीडियो किया बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि गियर के टाइप्स क्या होते हैं, और ये जो चैप्टर है इस तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया था। पहला था टर्मिनोलॉजी का। इस वीडियो में क्या देखना है, टर्मिनोलॉजी देखना है कि गियर में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, मतलब बेस सर्कल क्या होता है, पिच सर्कल क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये गियर है, तीन गियर बनाए मैंने, फिर उसके साथ उसके जो टर्मिनोलॉजीज है वो भी एक्सप्लेन किए। उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे एक गियर है मेरे हाथ में, उसके ऊपर भी आपको बताऊँगा कि इसका अगर यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दिखाया, अगर अडेंडम सर्कल दिखाया, तो पे कहाँ पे होगा वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो पहली बात आती है आपकी बेस सर्कल की। बेस सर्कल का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज़ द सर्कल फ्रॉम विच इन्वॉल्यूट फॉर्म इज जनरेटेड, ओनली बेस सर्कल ऑन ए गियर इज फिक्स्ड एंड रिमेन अनचेंज। एक बेस सर्कल मतलब ऐसा सर्कल है कि जहाँ से आपका ये जो इन्वॉल्यूट है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और वो बेस सर्कल जो है यहाँ से या ऐसे नीचे होता है और वो फिक्स रहेगा, वो आपका बेस सर्कल चेंज नहीं होता है। उसके बाद बात आती है पिच सर्कल की। पिच सर्कल मतलब क्या, एक इमेजिनरी सर्कल है जो क्या होता है आपके यहाँ, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको सेंटर से जो पास हो रहा है उसको क्या कहते हैं, पिच सर्कल कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो यहाँ से सेंटर से जो पास होगा उसको क्या कहते हैं, पिच सर्कल। और फिर आप पिच सर्कल को कुछ ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो टूथ का स्पेस है, और ये टूथ का स्पेस और टूथ का थिकनेस जो इक्वली डिवाइड करेगा उसको क्या कहते हैं, पिच सर्कल कहते हैं। फिर उसके बाद बात आती है पिच सर्कल डायमीटर की। पिच सर्कल डायमीटर का डेफिनेशन कुछ इस तरह से, इट इज़ डिफाइंड एज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच बाय प्योर रोलिंग एक्शन वुड प्रोड्यूस द सेम मोशन ऑफ द एज द टूथ गियर व्हील। मतलब क्या है, पिच सर्कल मतलब क्या, कंसिडर करें यहाँ पे दूसरा एक गियर है, वो क्या हो रहा है, कंसिडर करिए दो गियर्स है और ये यहाँ पे ऐसे मेश होके रोटेट हो रहे हैं। तो ये जब मेश होते हैं, जो पॉइंट को मेश होते हैं यहाँ पे जब मेश होते हैं, तो फिर यहाँ से जो मेजर होगा वो आपका क्या होता है, पिच सर्कल डायमीटर होता है। फिर उसके बाद आती है मॉड्यूल की बात। मॉड्यूल मतलब क्या, इट इज़ द रेशो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर टू नंबर ऑफ टीथ। ये पिच सर्कल डायमीटर टू नंबर ऑफ टीथ, मॉड्यूल एम इज इक्वल टू पिच सर्कल डायमीटर डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ डी। टी भी बोल सकते हो आप उसको एन भी बोल सकते हो आप, एन मतलब नंबर ऑफ टीथ। आया मॉड्यूल पिच सर्कल डायमीटर टू नंबर ऑफ टीथ। फिर उसके बाद आती है सर्कुलर पिच की। सर्कुलर पिच आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सर्कुलर पिच यहाँ पे मार्क किया है। यहाँ पे क्या है, एक आपका ये जो पॉइंट है गियर का, तो नेक्स्ट गियर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर पिच कहते हो। और अगर आपको यहाँ इस पे देखना है तो सर्कुलर पिच कहाँ पे रहेगी, कंसिडर करें मैंने यहाँ पे इसको फर्स्ट पॉइंट है MRI, ये फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर पिच कहते हैं। फिर अडेंडम आता है। अडेंडम मतलब क्या, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सर्कल के जो ऊपर से, मतलब ये जो रहेगा ये टॉप में से जो सर्कल पास होगा उसको क्या कहते हैं, अडेंडम सर्कल कहते हैं।